हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने आईपी वर्जन V6 कॉन्फ़िगरेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी उसी पीपीटी की तरफ जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा, डायनामिक राउटिंग का जो DVRP था, DVRP का हमने रिप NG कॉन्फ़िगर किया। आज हमें डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का हाइब्रिड देखना है, जो कि आपका EIGRP मतलब सिस्को का प्रॉपर्टी है। तो EIGRP के अंदर हम अब जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो हमारा EIGRP V6 है, जो आपके वर्जन V6 को सपोर्ट करेगा। नाउ EIGRP से रिलेटेड भी थेरी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पे भी AS नंबर ही डिफाइन करना है। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ ऐड हो चुकी है वो है कि जब आप EIGRP राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ राउटर ID स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ओके, सो आज हम देखेंगे डायनेमिक का हाइब्रिड, मतलब आपका सिस्को का प्रॉपर्टी जिसे सिस्को कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और उसका जो पार्ट वो है हमारा EIGRP V6। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन को। सुनो, कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस सिनेरियो के अंदर ऑलरेडी मेरे जितने भी बेसिक कनेक्टिविटी से वो ऑन हो चुकी है, सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है। तो देखिए, मेरे मुंबई का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या है, उसकी स्लैश वैल्यू, मतलब हमारे कह सकते हैं हमारे सफिक्स। साथ ही साथ मेरा ये जो मुंबई का राउटर है उसको मैंने एक राउटर आईडी सेट किया है, और वो राउटर आईडी मैंने 4x1 रखा है। और ये कैसे, देखिए मेरा जो नेटवर्क है वो 2001B11 ये है, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने उसको राउटर आईडी रखा 1111। अगर ये नेटवर्क मेरा B001:B112 है तो उसका राउटर है 222। ओके, ये मैंने सीक्वेंस अपने हिसाब से रखा है, कंपनी के अंदर ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, राउटर आईडी कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो B112:11 और ये 13 आ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू दैट ही मैंने राउटर आईडी सेट किया, जिससे मेरे नासिक का जो नेटवर्क है वो है 2001:B113:64 है, तो जिसकी वजह से मैंने उसका राउटर आईडी 33 ये कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ओके, सुना, अब हम अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मुंबई राउटर पे आ गया। मुंबई राउटर पे आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ गोल्डन कमांड रन करनी है, और वो कमांड है हमारी show IP route, show IP protocol, लेकिन यहाँ पे हम IPv6 की बात करें तो कमांड होगी show IPv6 protocol, कुछ भी नहीं है, show IPv6 interface brief, खुद के कनेक्टेड इंटरफेस आ गए, show IP route, तो पता चले कि बाबा यहाँ पे खुद के ही नेटवर्क कॉन्फ़िगर है। अब मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाने का सबसे पहले IPv6 unicast ये कमांड रन करनी है, ताकि V6 को सपोर्ट मिलने लग जाए, राउटिंग करना शुरू हो जाए। अब मुझे यहाँ पे IPv6 router ये कमांड रन करनी है। क्वेश्चन मार्क देने के बाद, पिछली बार हमने रिप किया था, अब हमें EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, तो आगे मेरा होगा EIGRP। फिर से यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ, अगेन द सेम पैटर्न, आपको यहाँ पे फिर से एक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर डिफाइन करना है। देखिए, ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है, वो क्यों कौन देता है, ये हमने डिस्कस किया था, आईना के पास इन सभी के राइट्स होते हैं। हालांकि यहाँ पे हम CCNA की स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी राउटर्स हैं उन सभी के लिए AS नंबर हम कॉमन रखेंगे, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, जो कि एक ही कंपनी का नेटवर्क होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नंबर चूज करता हूँ, माई लकी 1310। ओके, सो 310 ये मेरा AS नंबर होगा। क्वेश्चन मार्क CR आ चुका, मतलब ये मेरी पहली कमांड कंप्लीट हो चुकी है। एंटर देने के बाद यहाँ पे मैं देखिए राउट कॉन्फ़िग RTR, मतलब उस EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं अगर क्वेश्चन मार्क दूँ तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से एग्जिट करके मैं बाहर आ सकता हूँ, मैट्रिक्स से उसका मैट्रिक्स चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे राउटर आईडी, अब मुझे यहाँ पे राउटर आईडी देना है। तो देखिए, मैंने पहले कहा था मेरा ये जो मुंबई का राउटर है, मुंबई का नेटवर्क है, उसके लिए राउटर आईडी मुझे 4x1 सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम राउटर आईडी 1111 4x1 हमने दे दिया। अब मुझे यहाँ पे नो शटडाउन करके ये कमांड रन करनी है। ये नो शटडाउन कमांड क्या करेगी, आपके EIGRP V6 के प्रोटोकॉल को अप कर देगी। कंट्रोल एग्जिट दीजिए, एग्जिट देने के बाद
बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमें IPv6 ये कमांड रन करनी है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मेरे सामने और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे EIGRP के ऊपर फोकस करना, तो यहाँ मैंने EIGRP टाइप किया, अगेन क्वेश्चन मार्क। अब मुझे पूछा जा रहा है कि बाबा आपका AS नंबर क्या डिफाइन किया था, तो हमने जो AS नंबर डिफाइन किया था वो था 310 क्वेश्चन मार्क। CR आ गया, ये भी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहे तो IPv6 एनेबल ये कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने इस पर्टिकुलर पोर्ट पे ये कमांड रन करके रखी हुई है, अगर नहीं की हो तो आप उसे चेक कर लीजिए। फिर से यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ गए। अब मेरा इंटर से सीरियल 0/3/0 के अंदर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अप एरो उसे कहेंगे IPv6 EIGRP और आपका AS नंबर 310 वाला IPv6 को हमने एनेबल कर लिया। एग्जिट करके इससे भी बाहर आ गए, अगेन सीरियल 0/3/1 के अंदर, अगेन सेम कमांड यू हैव टू रन EIGRP 310 वाली, एंटर IPv6 एनेबल, कंट्रोल जेड करके बाहर आ गए। शो IP प्रोटोकॉल, शुरू में यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं था, अब हमने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लिया, जिसमें से मुझे पता चल रहा कि मैंने EIGRP उसका AS नंबर 310 कॉन्फ़िगर किया है। उसका ये मैक्सिमम होप काउंट हमने डिस्कस किया था कि EIGRP का मैक्सिमम होप काउंट 100 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन करके आप 255 तक उसे ले जा सकते हो। बाद में कौन से इंटरफेस को आपने ज्वाइन किया है, साथ ही साथ आपका इंटरनल और एक्सटर्नल AD, ओके सो इंटरनल हमारा 90 होता है और 170 आपका एक्सटर्नल होता है, जबकि समराइज आपका 5 होता है। सो नाउ क्विकली इसे मैं कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर देता हूँ। शो IPv6 रूट ये कमांड मैं रन करके देखूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ किसी भी तरह की EIGRP से रिलेटेड एंट्री नज़र नहीं आ रही है। ये कब आएगी, जब मेरे इस सिनेरियो के अंदर और एक राउटर EIGRP के साथ ऑन हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरे राउटर को कॉन्फिगर करना। अब मैं अपने कल्याण राउटर पे आ रहा हूँ। कल्याण राउटर को जो राउटर आईडी देना है वो है मेरा 2.2.2.2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एनेबल शो IPv6 प्रोटोकॉल, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके खुद के कनेक्टेड नेटवर्क, शो IPv6 रूट, खुद के ही नेटवर्क बताए जा रहे हैं कनेक्टेड। अब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पर जाएंगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंटर IPv6 EIGRP, माफ कीजिए राउटर रूटर EIGRP, और हमारा AS नंबर जो था वो था 310, ये कॉमन ही रहेगा, एंटर। उसके बाद में यहाँ पे मुझे राउटर ID कमांड देनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन RTR के अंदर आ चुका, और ये जो राउटर आईडी होगा वो होगा इसका 2.2.2.2। बाद में नो शट करके उस प्रोसेस को मुझे अप करवाना है, कौन सी EIGRP V6 की प्रोसेस को। हो गया, एग्जिट करके बाहर आ गए। अब मुझे इंटरफेस को ज्वाइन करवाना है, सो इंटरफेस को ज्वाइन करवाने के लिए इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के अंदर आ गए, IPv6 EIGRP और हमारा जो AS नंबर था उस AS नंबर को हम एंटर करेंगे, IPv6 एनेबल, एग्जिट करके बाहर आ गए। अब हमें जाना है सीरियल के अंदर 0/3/0, अगेन IPv6 EIGRP 310 IPv6 एनेबल, एग्जिट करके बाहर, अप एरो सीरियल 0/3/1 के अंदर, यहाँ पे भी सेम कमांड और IPv6 एनेबल। नाउ जैसे हमने एक पर्टिकुलर पोर्ट को EIGRP के लिए अवेलेबल कर दिया, तो देखिए उसने नेबर डिस्कवरी कर ली, ओके और एजेंसी भी फॉर्म हो चुकी है। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं शो IPv6 रूट ये कमांड टाइप करूँ, तो मुझे पता चला कि एक नेटवर्क जो कि 201B11:64 का नेटवर्क है, मतलब कि मेरा ये मुंबई वाला नेटवर्क, ओके इस मुंबई के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे डी से पता चल रही है, वेर डी इज नथिंग बट माय EIGRP कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर स्लैश 90 क्या बता रहा है आपका,
ये 90 आपका इंटरनल है और ये उसका मैट्रिक्स कैलकुलेशन। क्लियर। अब बचा हमारा लास्ट वाला राउटर, हम उसे भी कॉन्फिगर कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर लीजिए या फिर राइट कमांड, दोनों में से कोई भी। नासिक राउटर पे आ गए। नासिक राउटर पे आने के बाद देखिए यहाँ पे नेटवर्क ये रहा और उसका राउटर आईडी 3.3.3.3 कॉन्फिगर करना है। एनेबल शो IPv6 प्रोटोकॉल, नथिंग इज देयर। शो IPv6 राउटर ओन नेटवर्क कनेक्टेड बता रहा है। शो IPv6 इंटरफेस, देखिए बार बार आपको ये कमांड रन करने की हैबिट होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रॉब्लम ट्रबल शूट करना पड़ता है, लेकिन ट्रबल शूट करने के लिए बेसिक चेकिंग स्टेप्स यही है कि आप अपने नेटवर्क की जानकारी देखिए। तो जितने भी शो कमांड्स हो वो पहले रन करके देखना, तब जाके किसी तरह का डिसीजन लेना है। ओके, इन शॉर्ट आपको रूट कॉज फाइंड करना ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम का। सो कॉन्फिगरेशन टर्मिनल पे आपको IPv6 यूनिकास्ट कमांड रन कर दी। यहाँ पे हमें IPv6 रूटर ये बताना है, EIGRP और AS नंबर हमारा 310। बाद में आपको राउटर ID कमांड रन करनी है 3.3.3 अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। बाद में नो शट करके पोर्ट को अप कर दिया, एग्जिट करके बाहर आ गए। अब हमें वन बाय वन सभी इंटरफेस को उस पर्टिकुलर EIGRP का पार्ट बनाना है। सो यहाँ पे हमें गीगाबिट पे आने के बाद IPv6 EIGRP 310 IPv6 एनेबल, देन एग्जिट करके बाहर आ गए। अप एरो। अब हमें सीरियल पे जाना है, सीरियल 0/3/0 के अंदर IPv6 EIGRP। देखिए जैसे हमने इसको भी ऑन कर दिया हमारी नेबर डिस्कवरी हो चुकी है। ओके, तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे हमारे EIGRP में अपना काम करना शुरू कर लिया है, नेबर डिस्कवरी एंड हेलो पैकेट्स। इसे हमने एग्जिट कर दिया। अब हम सीरियल 0/3/1 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी हमने सेम कमांड रन करी, देखिए इसने भी IGRP फॉर्म कर ली। IPv6 एनेबल करके एग्जिट करके बाहर, कंट्रोल Z, शो IPv6 रूटिंग करके चेक कर लीजिए क्या क्या नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो देखिए जितने भी बचे नेटवर्क से उन सभी को हमने D मतलब हमारे EIGRP के साथ कॉन्फिगर कर लिया है। नो मैटर, अगर यहाँ पे मैं पिंग करके भी देखूँ ना तो मुझे PC साइड से उसका रिप्लाई आने ही वाला है। इसे हम कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर लेते हैं। ओके, सुनाओ आज हमने क्या किया। आज हमने यहाँ पे डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का हाइब्रिड मतलब आपके एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फिगर किया EIGRP वर्जन 6 वाले। आने वाले वीडियो में हम OSPF वर्जन 3 को कॉन्फिगर करेंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।